जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री नॉलेज 1919 एक बार। साथियों, मैं आप सभी के लिए एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, और जो नोटिफिकेशन है साथियों हरियाणा वालों के लिए है, हरियाणा वालों के लिए, हरियाणा रोहतक। साथियों, आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो आप अपनी तैयारियाँ जोर शोर से कीजिए, और धीरे धीरे सभी AR का नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। जैसे कि आप बीच बीच में देख रहे थे, CPO वाले का बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल रहा था, अब दोस्तों उनका नोटिफिकेशन आना बंद हो गया है। अब आप सभी ओरल जो आप बाहरी देते हो, उन सभी का नोटिफिकेशन धीरे धीरे चालू हो गया है। ठीक है साथियों, अभी मैं जो ये वीडियो लेकर आया हूँ वो रोहतक हरियाणा वालों के लिए है। आपका जो रैली का वेन्यू डेट है वो सब आ गया है, तो इसका मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आप देख रहे हो स्क्रीन पर, मैं इंडियन आर्मी के ऑफिशियली वेबसाइट पर हूँ, और यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन शो कर रहा है, जैसा कि आप इस बॉक्स के अंदर देख रहे हो, रोहतक हरियाणा वालों के लिए ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हो। अब मैं इसका नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ साथियों। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये आपका नोटिफिकेशन है। मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ। आर्मी रिक्रूटिंग रैली एट राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक हरियाणा। साथियों, आपका जो रैली होना है 3 मई से 20 मई के बीच तक चलना है। ठीक है साथियों, पूरे 17 दिन आपका जो रैली चलना है, और जो आपका रैली का वेन्यू भी दिया गया है कि आपका रैली कहाँ होना, आपका जो रैली होना है राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक हरियाणा, यहाँ पर आपका रैली का वेन्यू दिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट भाग लेने वाले हैं। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आने वाले हैं, रोहतक, झांझर, सोनीपत और पानीपत, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं। और जो मैं आपको बता दिया था कि आपका जो रैली होने वाला है 3 मई से 20 मई के बीच में होने वाला है, मतलब 3 मई से 20 मई तक आपका जो रैली चलने वाला है, और आपका जो ग्राउंड भी दे दिया गया है राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक हरियाणा साथियों। और आपका जो फॉर्म फिलअप होंगे वो 4 मार्च से 17 अप्रैल तक चलने वाले हैं। ठीक है साथियों, आपका वो बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, और इतने दिन में आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, इंडियन आर्मी की जो साइड है वो बहुत स्लो चलने लगती है, तो आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपके लिए भर्तियाँ निकली हुई है। सबसे पहले साथियों, आपके लिए निकली हुई है सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए। इसमें जो आपका एज रखा गया है साथियों, 17.5 से 21 ईयर तक रखा गया है, और जो आपका एज काउंट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 तक, इसका एज आपका एज काउंट किया जाएगा। और आपका जो हाइट होने वाला है वो 1.70 सेंटीमीटर होने वाला है, और आपका चेस्ट रहेगा 77 रहेगा प्लस नॉर्मल, और प्लस आपका इंप्रेशन 5 होना चाहिए। ठीक है साथियों, और सेकंड में आपका जो पोस्ट निकला हुआ है इसमें सोल्जर क्लर्क के लिए निकला हुआ है। इसमें जो आपका एज होने वाला है 17.5 से 23 ईयर तक रहने वाला है, और जब आपका जो एज काउंट किया जाएगा 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में आपका एज काउंट किया जाएगा, और आपका जो हाइट होने वाला है 162 सेंटीमीटर रहने वाला है, चेस्ट आपका सेम रहेगा 77 प्लस 5 इंप्रेशन। ठीक है साथियों, एक आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इंडियन गोरखा से होंगे तो आपको हाइट और चेस्ट में आपका छूट दिया जाएगा। और सेकंड बात एक और दोस्तों, यदि आपके फादर या ब्रदर या फिर आप एक्स सर्विसमैन, तो आपको हाइट और चेस्ट और वेट में तीनों में आपको छूट दिया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं ग्राउंड की साथियों। इसमें आपका ग्राउंड आपको पता है 1.6 किलोमीटर होता है साथियों। यदि आप 1.6 किलोमीटर 5.30 सेकंड में क्वालिफाई करते हो, तो आपको फर्स्ट ग्रुप में रखा जाएगा और आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप 1.6 किलोमीटर 5.45 सेकंड में क्वालिफाई करते हो, तो आपको सेकंड ग्रुप में रखा जाएगा और आपको ओनली 48 मार्क्स दिए जाएंगे। साथियों, आशा करता हूँ कि आप एक्सीलेंट मारे, 60 मार्क्स ही लेकर आए। और इसमें पुलअप्स का दिया हुआ है, आप जितने पुलअप्स मारोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 9 फीट डेज कराया जाएगा आपको, और जिग जैग कराया जाएगा। ठीक है साथियों, आपको सभी को पता होगा जिग जैग क्या होता है, तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया हूँ साथियों। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आप जो आपके पास सर्टिफिकेट है, पूरा सर्टिफिकेट लेकर जाएँ, क्योंकि इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेट पर बिलीव करता है। ठीक है साथियों, यदि आप सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाओगे तो आपको भर्ती से भगा दिया जाएगा। और मेन बात एडमिट कार्ड का होता है, एडमिट कार्ड साथ में लेकर जरूर जाइएगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ मैं, यदि आप बाहरी पे जा रहे हो तो सबसे पहला आपके पास कोरोना नेगेटिव का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आप बनवा लीजिएगा, कोरोना नेगेटिव का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। नंबर सेकंड, आपको मास्क ले जाना बहुत ज़रूरी। नंबर थर्ड, आपके पास दोस्तों सैनिटाइजर लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। तीनों चीज़ लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, किसी भर्ती से पहले इसी को देख रहे हैं।
और एक और दोस्तों, यदि आप NCC आपका कंप्लीट है या आपका चल रहा है तो आप इसका सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, ABC जो भी हो लेकर जाइएगा। नंबर दूसरा, यदि आप स्पोर्ट्समैन कोटा से, स्पोर्ट कोटा से है तो आप जरूर, आपके आपको प्रमाण पत्र मिले होंगे डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट लेवल का, तो वो लेकर जरूर जाइएगा। और नंबर थर्ड, यदि आपके ब्रदर या फादर आर्मी में है तो उनका जो रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, डिप्लोमा बनते हैं, वो लेकर जाइएगा, उसमें आपको छूट मिलती है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया हूँ साथियों। और जैसे ही अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट का जो नोटिफिकेशन जारी होता है आर्मी का, तो मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बना दूंगा। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ, हमारे चैनल पर इंडियन आर्मी की जो भी बहाली आती है उसका नोटिफिकेशन लेकर आते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो साथियों, आपका जो नोटिफिकेशन रहेगा, आप जिस भी ARO से आते हो तो उसका भर्ती का आपको सही समय पर वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हम जल्द ही इंडियन आर्मी का जो पेपर होता है ओरिजिनल पेपर, हम वो भी लेकर आएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि इंडियन आर्मी का क्या क्या सिलेबस होता है या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद।